नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि पता, आज शादी थी और मतलब सुबह ही विदाई हुई और हम सो गए थे। फिर खाना खुना खा कर लेट ही सोए थे और अभी मैं उठी और फेस सही लग रहा होगा। अभी तो एक दो दिन ऐसा ही लगेगा कि सोए नहीं, लेकिन क्या सो रहा। और यहाँ पर बुआ जी यार, देखिए बुआ जी कर दी है अपना एक प्रोग्राम, क्योंकि बुआ जी के यहाँ ना शादी थी, मेरे भाई की शादी हुई थी ना फरवरी में। और अब बुआ जी लेके आई है, क्या कहते हैं, बात की फिरौती कहते हैं, तो वो लेके आई बुआ जी। उसमें जो जहाँ वहाँ जाते हैं ना, जो भात देने के लिए, मम्मी नहीं गई थी बात लेके, तो उसकी गोद ही करते हैं। ये देखे, गोद भराई करते हैं, मैं दिखा दूँ आपको। तो यहाँ जो गोद का सामान होता है वो देते हैं, देखिए मम्मी की गोद में दे रही हैं बुआ जी। ये सगुन का नए गोद का जो सामान, ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं, और जोड़ा दे रही, ये है जोड़ा, मतलब तीनों मेरे पापा जी यार तीन भाई हैं, तीनों का लेके आई है बुआ जी। वैसे तो इन्होंने साथ साथ सबके दे दिए थे, लेकिन ये फिर भी घर लेके आते हैं ऐसे एक एक। और ये तीनों के एक एक डब्बे, मतलब स्टील के बर्तन देते हैं, कुछ भी दे दो वो अपनी मर्जी है। तो यहाँ ये डब्बे सबसे बढ़िया, आजकल सबसे ज्यादा काम डब्बे ही आवे। हाँ, तो ये इस तरीके से गोद में दिए जाते हैं। तो यहाँ मम्मी की गोद भराई हो रही है, बुआ जी ने करी। अच्छा, ताई जी का भी बुआ जी यहीं पे ही दे रही, क्योंकि ताई जी गांव में चली गई और ये चाची जी के, ये उधर लेकर जाएंगी। देखो कपड़े कौन से बुआ जी, और थोड़े दिन बाद यहाँ पोस्ट बुआ जी पर भी आ जाएगी है बुआ जी, थोड़े दिन बाद है, तो टाइम तो है। तो ये बुआ जी लाई उधर कपड़े, क्योंकि अभी तक बुआ जी ने कपड़े नहीं दिए उधर चाची जी को। बब्बो की शादी के, जो बहन की शादी हुई अब देंगी, क्यों जब भीड़ भाड़ सी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये मेरी बहन के दोनों जोड़े, एक वो और एक ये, और ये भाई का है, और ये जीजा जी के हैं, मतलब जो हाँ मतलब एक जोड़ा बहन के हस्बैंड के और एक भाई का है, चार जोड़े हैं। तो अब ले कर जाऊँगी बुआ जी उधर है। तो प्रोग्राम चली रहा था, शादी हमने अटेंड कर ली, बस लेना देना हम बाद में कर रहे हैं सारा। बस वो उस टाइम भीड़ भाड़ हो रही थी सारी, इस वजह से। हाँ, तो ये सारे बुआ जी अब उधर लेके जाएंगी चाची जी के यहाँ से, क्योंकि सुबह से तो हम लेट ही रहे इधर पड़ उधर पड़, रात की शादी होगा तो हालत खराब हो जाए पूरी, है नी मम्मी? नो कह मम्मी, बस बुरा हाल हो गया, अब तो मुझे तो नींद भी नहीं आ रही, उस बेचारी को बार बार उठना भी पड़ा है, काम घूम खाते और हर दिन में करके शादी, रात को सो जाओ आराम से रहो, और आज दिन में भी नहीं सोया जाता, रात को नहीं सोया, आज रात को सोवांगे जब जाके कल को रिलैक्स मिलेगा। बुआ जी चाय बना पी लियो थोड़ा थोड़ा, चल भाभी दे रही पानी, मुकुल चाय पिएगा भाई ना कर रहा। और बच्चे आपको दिखा दूं, फिर लेट रहे। अरे गुड्डू ने तो खाना भी खा लिया था, बीच में उठ कर नहा नू के फिर लेट गई थी, लेकिन ईशु भी नहा तो ली थी सुबह, खाना नहीं खाया था फिर लेट गई थी, और ईशु ने तो आज खाना भी नहीं खाया सुबह से, ऐसे ही सो रही, इसे मैंने कई बार उठा लिया लेकिन उठी नहीं, और शिवाय भी सो रहा इसके पास ही, ओम उधर सो रहा। और इधर बस अब मैं लगा देती हूँ मशीन, क्योंकि शादी के कपड़े हो रहे बहुत सारे, अपने नहीं हमने मन्ना निकाल लिया, अपने तो मैंने जो कह तू धर लिया, घर ही जा कर धो लूँगी, बस यहीं मकई ना धो दूँ, क्योंकि कल फिर मिस्त्री आ जाएंगे हैं मम्मी, फिर फलाने की भी दिक्कत रहेगी। हाँ वे रात वहाँ थे ना मिस्त्री शादी में, उन पर भी नहीं उठा गया होगा आज हमारे की तरह, मैं आप बैग ले गए थे अपने यहाँ से, और मैं भी तो उठ के गई, मम्मी मैं कहा बुआ जी चाली क्या, बैग नहीं है यहाँ, चलो उधर जा रहे क्या बुआ जी, ठीक है। तो बुआ जी जा रही उधर अब चाची जी की तरफ, लाए ताई जी का भी रख दे मम्मी और सामान, चलो तो बुआ जी अब उधर जाएंगे।
क्या तो रहे चलो चला के पी लेंगी अगर पियेंगी तो गले तो मिल लो वो सामान ही आ रहा था मम्मी पहले खड़ी हो जा रही यही हो दे है? क्यों वो मिली नहीं थी ना बिगड़े यार सुना आई नहीं आई वादा करके गई थी मैं तो मैं बहुत देखना आऊंगी और आई नहीं यार मैं पूरी वीडियो इंतजार करती रही तेरा रोज देखू थी वीडियो में मैंने कहा आज के मैं नोएडा जा रही आज के मैं नोएडा जा रही आई नहीं जैसे घर आ गई लेकर नहीं गए मैं तो फ्री थी एक महीना इसके पापा फ्री नहीं थे चल अब चल तो यहाँ देखिए जी मशीन लग गई है मेरी मैंने लगा के छोड़ दी अभी इसमें मैंने बस नए कपड़े डाले एक दो जो एक एक दो दो ज़्यादा नहीं डाले पुराने तो अभी ये रखे सारे ढेर लगे और अब मैं जा रही पापा जी के पास घास डलवाने देख मेरे पापा जी अकेले बेचारे घास घेर रहे तो मैं जाती हूँ और आज मम्मी नहीं जाएगी क्योंकि मम्मी की तबीयत आज ख़राब है सुबह मम्मी के फिर दर्द हो गया था सुबह के टाइम तो ये लस्सी वगैरह कहा मम्मी ने मुझे कि नीचे दिया अपने पापा जी को तो मैं दे के आ रही हूँ ये देखिए मेरे पापा जी घास डालने लग रहे हैं पापा जी और काटोगे घास अच्छा हाँ मैं कहे तो थोड़ा ही रहेगा मैं लस्सी भी ले आई ऊपर ते अभी नहीं डालते अच्छा तो वह बाल्टी कहाँ से मेरी दादू या बाल्टी मुझे सहगी या कैसी इसमें ही कर दूँ चलो मैं पापा जी कह रहे थोड़ी देर में डाल दूंगा लस्सी रख दे अंदर तो मैं अंदर रख देती हूँ यहाँ तो बस घास के उसके अरने लग रहे पापा जी अभी और कटेंगे जितना था वो डाल दिया और गर्मी ना पूरा हद मचा रखी तो मैंने भाई को उठा दिया वो भी सो रहा था मैं कहा घास गिरवा दे तो वो कह रहा मैं गिरवा दूंगा तो अंदर ही है तो घास तो वो गिरवा देगा मैं चलती हूँ ऊपर कपड़े वगैरह दे दूंगी मैं धोने लगी थी कपड़े बुआ जी और उधर चली गई थी चाची जी के साइड क्योंकि उनको कपड़े वगैरह भी देने थे और उधर से ही चाची जी उनको भाजी भुजी जो भी देना वो देंगी और बस मैं थोड़ी देर के लिए उधर चली गई थी और इधर बस मैं धोने लगी थी कपड़े मशीन में मैंने जो डालने थे वो डाल ही रखे थे कपड़े इधर अब मैं धोने लगी थी हाथ वाले जो नए कपड़े थे वो मैं धो रही हूँ शैम्पू से मतलब कि जो मशीन में डालने के थे वो डाल दिए थे जो हाथ से धोने के वो शैम्पू से धो दूंगी आपको पता ही मैं हमेशा नए कपड़े शैम्पू से ही धोती हूँ तो यहाँ पे देखे बस धो रही हूँ और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही शाम के टाइम तो इतनी ज़्यादा गर्मी वैसे सोच रही थी कि बाहर बैठ कर धोंगी लेकिन बाहर ना सीमेंट वगैरह चिपका पड़ा बाहर काफ़ी सारा तो मैंने सोचा कभी सारे कपड़े यहाँ पर ख़राब हो जाए तो इस वजह से मैं अंदर बाथरूम में ही धोने लगी और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही इस टाइम तो शाम को यहाँ पर बहुत गर्मी लगती है और गर्मी तो खैर हो ही रही थी और जो शादी वाले दिन था 11 तारीख को उस दिन तो गर्मी ने इतनी हद कर दी अगले दिन तो फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन उस दिन तो बेसुमार गर्मी थी बहुत ज़्यादा बस बुरा हाल ही था गर्मी में यह शादी करते तो है ही लेकिन बुरा हाल हो जाता है सर्दियों की शादी ठीक होती है अपना पहनना ओढ़ना मेकअप वगैरह आराम से कर लो और आप सब भी कमेंट करके कह रहे आपने खूब सारी विशेज दी है और सब बताया कि बहुत अच्छा था मुझे भी आपने सबने कमेंट किया कि आप अच्छे लग रहे हैं मेरी बेटियों को भी तो उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू और बस आपको बताऊँ ड्रेसेस वगैरह जो ली थी वो तो पहन ही ली बाकी मेकअप वगैरह बिल्कुल भी करने की हिम्मत नहीं थी गर्मी में करने का फायदा भी कुछ नहीं हो रहा था बस ऐसा ही मैंने तो हल्की सी बिंदी लगाई थी लिपस्टिक लगाई बाकी कुछ नहीं किया था मैंने शादी में और एक तो गर्मी की वजह से थोड़ा सा काम सा भी ज़्यादा हो रहा था इस वजह से जल्दबाजी सी हो रही थी तो ऐसे ही रहा तो खैर जी शादी बहुत अच्छी हुई और बस यही भगवान से दुआ करते हैं कि जो जोड़ी भगवान दोनों की बनाए रखे उनको आप भी खूब सारा आशीर्वाद देना
तो यहाँ देखिए मेरे कपड़े धुली गए। पापा जी के कपड़ों पे थोड़ा सा हल्का सा ब्रश वगैरह मारना पड़ता है क्योंकि कॉलर भी या पजामा भी इनका थोड़ा गंदा सा हो जाता है, तो यहाँ पे बस मैं वो कर रही थी। और अब बस सारे कपड़े धुल दूंगी, और कपड़े धुलते हुए भी कम से कम 3-4 बार लाइट भागी। रात के मुझे 7 ही बज गए थे इनको धोते धोते, और 3 बजे के लगभग मैंने मशीन लगा दी थी। तो यहाँ देखिए बस निचोड़ के अब डाल दूंगी ड्रायर के लिए। तो डाल दिए थे मैंने, कुछ धुल गए थे। फिर बुआ जी ये छोटे वाली आ गई थी इधर, जो बड़े वाली बुआ जी थी जिन्होंने मम्मी की गोद भराई की थी, वे बड़ी थी तो वे चले गए थे। बस वे तो उधर से उधर ही चले गए थे क्योंकि यहाँ से तो उनका मतलब विदाई वगैरह दे दी थी मम्मी ने, और इधर ये छोटे वाली बुआ जी के बैग वगैरह इधर ही रखे थे, तो ये भी थोड़ी देर उधर बैठ के आ गए थे इधर। तो यहाँ बस पानी पूनी पिया, थोड़ी देर बैठी, और बस अब बुआ जी की भी है चलने की तैयारी। और बुआ जी कह रही कि मेरे बैग, मैंने बोल दिया, मैंने कहा फूफा जी ने रख लिए गाड़ी में, बुआ जी के बैग जो फूफा जी थे नीचे ही तो उन्होंने पहले ही रख लिए थे गाड़ी में। तो यहाँ बस देखिए हो रही है बुआ जी की विदाई, और देखिए कोई जाता है विदाई पे थोड़ा मन तो भारी हो ही जाता है, और मेरा तो बहुत ज़्यादा होता है जब कोई छोड़ कर जाता है। और हमारा तो बुआ भतीजियों का ही खैर अलग ही है, और मुझे देखिए बहुत हो रहा। सुबह भी जब मेरी बहन की विदाई हुई तब तो मेरे साथ मैं इतनी नहीं रोई, लेकिन बाद में तो मुझे बहुत रोनी आई। मेरे साथ ना कोई जाता है तो देखा नहीं जाता। खैर बुआ जी भी चली गई, उनको मैं छोड़ी आई थी नीचे। अब देखिए यहाँ पे आ गए हैं गुड्डू के पापा। गुड्डू के पापा गांव गए थे रुचि को लेने के लिए, इनको गांव में छोड़ का नहीं उसको, लेकिन रुचि का कुछ सामान रह गया था रामपुर, फिर ये जाते हुए वापस आ गए थे रामपुरी। 3-4 घंटे ना गांव में लगे वहाँ पर रुचि के घर, क्योंकि ताई जी यहीं पे ही थी। फिर ताई जी ने इनकी तैयारी की होगी रुचि के जाने की, ताई जी रामपुरी थी ना कई दिन से चाची जी के पास ही, तो फिर चाची ताई जी भी आ गई थी इनके साथ ही। तो यहाँ फिर मैंने कहा तुम यहाँ कैसा आ गए, तो जैसा जाते तो रामपुर को ही हैं लेकिन दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। तो ये कहने लगे कि रुचि का कुछ सामान रह गया इधर, तो वो लेने आई हैं ताई जी। तो यहाँ बस देखे सब बैठे, चाय वगैरह इन्होंने ली नहीं थी, ना कर दिया था, बस पानी पानी दिया था। और ये जो एक तो गुड्डू के पापा बैठे, एक अनुज भैया हैं, एक बीच में बैठे ये हैं जीजा जी, ये मेरी बुआ जी की लड़की है झाड़खेड़ी में शादी में गई थी जिनकी, उनके हस्बैंड, तो ये भी गांव में गए थे इनके साथ ही, तो सारे साथ ही आए थे। तो यहाँ देखिए गुड्डू ने सबको दे दिया है पानी, और बस अब रुचि भी आ जाएगी। रुचि भी आई गई थी, ताई जी और रुचि दोनों गए थे उधर सामान लेने, जो रुचि का रह गया था चाची जी के साइड ही। तो यहाँ बस देखे अब है रुचि के जाने की भी तैयारी, धीरे धीरे सभी जाने लग रहे। मैं सबसे लास्ट में जाऊँगी, वो इसलिए क्योंकि वैसे तो हमें आज ही जाना था, आज ही हम निकल जाते, लेकिन रुचि को फिर इनको छोड़ कर आना था। ये कहने लगे कि लाओ मैं रुचि को छोड़ आऊँगा, वरना फिर इनको गाड़ी किराए पर करके लानी पड़ेगी, फिर इसको अनुज को दोबारा आना पड़ेगा, और चलो हम ही छोड़ आते हैं। मैं कहा चलो देख लो जैसा आपको ठीक लगता है, तो फिर बस ये छोड़ के कल आएंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे। चक्कर मार दिया चक्कर मार दिया इन्हें डरे होंगे।